हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो फॉर 10th क्लास चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट फॉर बायोलॉजी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एबायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बायोटिक फैक्टर एंड इट्स टाइप। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एबायोटिक फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय एबायोटिक फैक्टर? जैव कारक। एबायोटिक फैक्टर के अंदर वो सब फैक्टर आते हैं जो निर्जीव हैं, वो सभी चीजें जो एनवायरनमेंट का पार्ट हैं और निर्जीव हैं, वो एबायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। हम इनको क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन, क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक होता है पर्यावरणीय या जलवायु संबंधी कारक। दीज आर, ये होते हैं, क्या क्या है इसमें? लाइट, जो सन से लाइट आती है वो सनलाइट। टेम्परेचर, सेकंड वन होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन तापमान। थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? वायु के अंदर जो इवेपोरेटेड वाटर है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, यानी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर। नेक्स्ट वन इज रेनफॉल, वर्षा। ये सब कारक कुल मिलाकर क्या कहलाते हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर। जैसे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक्सेट्रा। सेकंड वन एडाफिक फैक्टर। इसके अंदर कौन से आते हैं? जो सोइल से रिलेटेड है, जैसे कि सोइल की टाइप, मिट्टी किस प्रकार की है, इकोसिस्टम के अंदर किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, मिट्टी से रिलेटेड जितनी भी चीजें आएंगी वो सभी क्या कहलाती है? एडाफिक फैक्टर के अंदर आते हैं। दीज आर रिलेटेड टू सोइल, ये मिट्टी की कंडीशन से रिलेटेड है। एग्जाम्पल के अंदर भी सोइल ही आता है। ट्रोपोग्राफिक फैक्टर। ट्रोपोग्राफिक फैक्टर के अंदर आते हैं जैसे जो सरफेस से रिलेटेड है, कि सरफेस ऊंचा है, नीचा है, पहाड़ है, या सरफेस प्लेन सरफेस है, इस टाइप की चीजें। दीज आर फैक्टर रिलेटेड टू सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ के सरफेस से रिलेटेड फैक्टर है, जैसे स्लोप, ढलान, वैली। वैली होता है घाटी, पहाड़ों से नीचे जो गहरा गहरी जगह होती है उसको बोलते हैं वैली। माउंटेन्स, पहाड़, इसके अंदर आते हैं। ये टोपोग्राफिक फैक्टर हैं कि इनमें से कितने इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? टोपोग्राफिक फैक्टर के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। नेक्स्ट इज नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, वैसे तो ये भी नॉन लिविंग सब्सटेंस है, लेकिन इसके अंदर क्या है? दीज आर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, इनके अलावा जितने भी सब्सटेंस बच गए वो सभी इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं, जैसे एयर, वाटर। इसके अंदर एयर, वाटर जैसी चीजों को डिस्कस किया जाता है। तो इस प्रकार से एबायोटिक फैक्टर को 4 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है, क्लाइमेटिक, एडियाबेटिक, ट्रोपोग्राफिक, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। है तो ये सभी ही नॉन लिविंग, लेकिन इसके अंदर हम नॉन लिविंग को अलग से भी लिखते हैं। तो इन 4 टाइप को डिस्कस किया जाता है जब भी हम एबायोटिक फैक्टर को डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन। फूड का मीन होता है खाद्य, चेन का मीन होता है श्रृंखला, चैन। क्या होता है? आओ हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे ग्रास, ग्रास को कौन खाता है? गोट, बकरी, और बकरी को कौन खा जाता है? लायन। इन तीनों को एक लाइन में लिखने पर कि कौन किसको खाता है, इनको एक लाइन में लिखने पर एक लाइन जो बनी है, एक श्रृंखला जो बनी है, ये एक लाइन जिसमें एक जीव दूसरे जीव से फूड लेता है, इसी को बोला जाता है फूड चेन। दूसरा एग्जांपल है ग्रास।
ग्रास को खाने वाला ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को कौन खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा सकता है स्नेक, और स्नेक को कौन खाता है ईगल। यानी कि एक लाइन बन गई, एक सीक्वेंस बन गई जिसके अंदर एक जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है, तो इस सीक्वेंस को बोला जाता है फूड चेन, आ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों की एक सीक्वेंस, एक लाइन इन विच दीज ऑब्टेन फूड फ्रॉम ईच अदर, जिसमें ये एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो यहां पर ध्यान से देखें, ग्रास को फर्स्ट नंबर पर लिखा गया है, गोट को दूसरे नंबर पर, लायन को तीसरे नंबर पर, यानी कि इनको कुल मिलाकर ये क्या बन जाएगी, एक लाइन। तो जो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर, इसके आगे फोर्थ फिफ्थ कितने भी हो सकते हैं वो देखा जाएगा, फूड चेन के ऊपर पांच छह जो भी हो सकते हैं। इट इज अ लिस्ट ऑफ हु ईट हुम, कि कौन किसको खाता है, ये उसकी एक लिस्ट है, इसी को बोला जाता है फूड चेन। यानी कौन किसको खाता है उसी को क्या बोला जाता है, उसकी लिस्ट को क्या बोला जाता है, फूड चेन। यानी कि इसके ऊपर जो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आता है, जहां पर एक जीव दूसरे जीव को खाता है, उस प्रत्येक लेवल को क्या बोला जाता है, ट्रोपिक लेवल, ट्रोपिक लेवल। ईच स्टेप, प्रत्येक कदम या प्रत्येक स्टेप इन फूड चेन, एक फूड चेन के अंदर जो प्रत्येक स्टेप होता है इज कॉल्ड ट्रोपिक लेवल, उसको बोला जाता है ट्रोपिक लेवल। यहां पर देखेंगे ये फर्स्ट ट्रोपिक लेवल होगा, ये सेकंड ट्रोपिक लेवल, ये थर्ड, ये फोर्थ, वो फिफ्थ। तो जो प्रत्येक स्टेप है उसको बोला जाता है ट्रोपिक लेवल। फूड चेन समझ में आई, यानी कि जीवों की एक सीक्वेंस जिसमें वो एक दूसरे को खाकर अपना पेट भरते हैं या भोजन लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है फूड चेन। देयर आर मेनी टाइप ऑफ फूड चेन, आप यहाँ पर नॉर्मल देख सकते हैं, आप आपके फील्ड के अंदर देखते हैं, ग्रास उगती है, ग्रास के ऊपर ग्रास ऊपर आता है, ग्रास ऊपर वो कौन खा जाता है, फ्रॉग। कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरी की पूरी फूड चेन चले, इसमें कितने भी स्टेप हो सकते हैं, हो सकता है थ्री पर एंड हो जाए, फोर पर एंड हो जाए, यानी कि स्नेक ना खा पाए फ्रॉग को, ठीक है। तो हमारे आसपास में बहुत सारी फूड चेन होती हैं, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, और प्रत्येक जो स्टेप होता है इसका उसको बोला जाता है ट्रोपिक लेवल। अब देखते हैं कि इस ट्रोपिक लेवल पर क्या आता है। अब देखते हैं ग्रास, गोट, गोट को किसने खाया, लायन ने। जो ये पहला नंबर है इसको बोला जाता है फर्स्ट ट्रोपिक लेवल, जो सेकंड नंबर पर है इसको बोला जाता है सेकंड ट्रोपिक लेवल, और जो थर्ड नंबर पर है इसको बोला जाता है थर्ड ट्रोपिक लेवल, और इससे आगे जो आएंगे उनको बोला जाएगा फोर्थ ट्रोपिक लेवल, फिफ्थ ट्रोपिक लेवल, सिक्स्थ ट्रोपिक लेवल। ऐसे जो फर्स्ट ट्रोपिक लेवल है उसके ऊपर है ग्रास, ग्रास अपना भोजन स्वयं बनाता है, सूर्य की लाइट से एनर्जी लेकर यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए ग्रास क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर। इसलिए फर्स्ट ट्रोपिक लेवल के ऊपर हमेशा प्रोड्यूसर आते हैं, फर्स्ट ट्रोपिक लेवल पर कौन आता है, प्रोड्यूसर, जैसे ग्रास, प्लांट, इस तरह की चीजें जो अपना भोजन स्वयं। सेकेंड ट्रोपिक लेवल के ऊपर आते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो प्लांट वगैरह को खाते हैं, इसलिए सेकंड ट्रोपिक लेवल पर मोस्ट ऑफ टाइम हर्बीवोर्स आते हैं, क्या आते हैं, हर्बीवोर्स। अब थर्ड ट्रोपिक लेवल को डिस्कस करते हैं, वहां पर आते हैं कार्निवोर्स, मांसाहारी, जो शाकाहारियों को खा सकते हैं, जैसे यहां पर कौन आता है, लायन, ठीक है। लेकिन इसके आगे अगर फोर्थ ट्रोपिक लेवल आता तो यहां पर आएंगे टॉप कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर जो मांसाहारियों को भी खा सकते हैं, ऐसे मांसाहारी जो मांसाहारियों को भी खा सकते हैं, तो उनको टॉप कार्निवोर्स में काउंट किया जाएगा। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, दीज टेक सोलर एनर्जी एंड मेक फूड, यानी कि प्लांट्स जो अपना भोजन से बनाते हैं सोलर एनर्जी में। प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स जो दूसरे ट्रोपिक लेवल पर आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राइमरी मतलब पहले खाने वाले, ये तो थे प्रोड्यूसर बनाने वाले,
अब आएंगे खाने वाले, ये हैं खाने वाले, इनको बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी मतलब पहले, कंज्यूमर खाने वाले, खाने वालों में पहला एक नंबर पर आते हैं यानी हर्बीवोर्स। फिर इसके बाद आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, दूसरे नंबर पर खाने वाले, ये मोस्ट ऑफ कार्निवोर्स होते हैं। इसके आगे आएंगे टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी मतलब तीसरे नंबर पर कंज्यूमर, वो टॉप कार्निवोर्स आते हैं। इस प्रकार से ये फूड चेन आगे की आगे चलती रहती है, ये फूड चेन आगे की आगे बढ़ती रहती है। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद टर्सरी, इस प्रकार से ये चलते रहते हैं। ये ध्यान रखना होता है जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है प्रोड्यूसर, सेकंड पर हर्बीवोर्स जिनको प्राइमरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं, हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर, और लेकिन ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर होते हैं। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल के ऊपर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, कंज्यूमर के साथ एक वर्ड कम आता है, जैसे यहाँ थर्ड है तो यहाँ आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड नंबर पर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जिनको कार्निवोर्स बोला जाता है।